साहबजादे। ये आप क्या फरमान जारी करने जा रहे? आप शिवाजी को मारना चाहते हैं? हमने आपसे कहा था ना कि हमारी इजाजत के बगैर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बेगम हुजूर, बात दरअसल हम अपने साहबजादे से बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए। माफ कीजिए अम्मी जान, लेकिन उस सरकश बागी को हमारे कैसे कोई नहीं बचा सकता। जो काम हमने कहा था उसे कीजिए, जाइए आप। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे अम्मी जान। क्या हो रहा है? ये क्या है? मातोश्री, ये हमारे सैनिकों और हथियारों की सूची है। सैनिक, हथियार, किस लिए? माँ साहेब, हम मियाँ रहीम को उसी की भाषा में उत्तर देंगे। नहीं शिवबा, उत्तेजित होकर किया हुआ कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। कूटनीति से काम लीजिए। मियाँ रहीम आदिल शाह का खास आदमी है। उसके विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करने का अर्थ है आदिल शाह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर। इसका सीधा प्रभाव आपके बाबा साहेब पर पड़ सकता है और स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य में बाधा आ सकती है। अम्मी जान, आप ही ने फरमाया था ना कि शिवाजी को नहीं उसके हौसले को खत्म करना है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमारी सल्तनत के लिए शिवाजी की सरकशी खतरनाक होती जा रही है। अब कुछ नहीं जानती। उस बागी को नेस्त नाबूद करना निहायत ही जरूरी हो गया है। अफसोस, ना ही आप में एक बादशाह की दानिशमंदी है और ना ही अभी तक आप ये बात समझ सके कि सियासी शतरंज के बिसात पर चाले कैसे चलना चाहिए। आपने एक लम्हे के लिए भी ये सोचा है कि आपकी इस हरकत का क्या अंजाम होगा? क्या होगा? अकलमंदी से काम लीजिए साहबजादे। आपको बीजापुर ही नहीं दिल्ली के तख्त पर भी काबिज होना है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन मराठों के मदद से ही आप हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकते हैं। हम आपकी माँ है साहबजादे और आपको दिल्ली के तख्त पर जलवा अफरोज देखना हमारा ख्वाब है। इसीलिए आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, समझ गए आप? परंतु माँ साहेब, हम शिवबा, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्वराज का सपना तभी साकार होगा जब सारे मराठा संगठित हो जाएंगे। आज जिस प्रकार पुंड पालेगर हमारे साथ हो गए हैं, कल सारे मराठा एक ही ध्वज के नीचे दिखाई देंगे और फिर आदिल शाह ही नहीं दिल्ली के शहंशाह तक को चुनौती दे सकते हैं हम। धैर्य रखिए बेटा, धैर्य रखिए। आपकी इस विजय का संदेश हमने आपके बाबा साहेब तक पहुंचा दिया है। परंतु माँ साहेब, हम तो पहले ही बाबा साहेब को पत्र भेज चुके हैं। बाबा साहेब, आपका आज पहली बार हमने इतना खुलकर हंसते देखा है। हाँ संभव, स्वराज पाने की तड़प ने हमें वर्षों से हंसने नहीं दिया, लेकिन शिवबा ने पुण पाड़ेगरों का दिल जीतकर हमें इतना प्रसन्न कर दिया कि हम स्वयं को रोक नहीं पा रहे। बाबा साहेब,
ये मां साहब ने आपके लिए भेजा है। महाराज साहब, बधाई। शिवबा ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए नाने गांव को फिर से बसा दिया। वैसे हमें मालूम है ये शुभ समाचार आप तक पहले ही पहुंच गया होगा। क्योंकि शिवबा तो बहुत उतावले थे आपको बताने के। महाराज साहब, शिवबा ने अभी केवल पालेगरों का दिल जीता है, परंतु ऐसा लगता है जैसा उन्होंने सारा संसार जीत लिया हो। लोगों में ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने जो सपना देखा है, हमें विश्वास है अब उसे पूरा होने में अधिक समय नहीं। स्वराज का सपना अब सपना नहीं रहेगा। ये स्व देख रहे हो, मराठा स्वराज का स्व, हमारा अधूरा सपना। शोभा, ये सपना आपको पूरा करना है। इस पत्र के साथ कुछ भेज रही हूं, जिसमें आप स्वयं देखेंगे स्वराज की ओर अपने शिवबा का पहला कदम। माँ साहेब, ध्वजारोहण आपके कर कमलों से संपन्न होगा। नहीं शिवबा, ये जीत आपकी है, ध्वजारोहण आप ही करेंगे। नहीं माँ साहेब, हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, बस आपके और बाबा साहेब के द्वारा शुरू की गई स्वराज की लड़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये ध्वज नहीं, एक छत्र है, प्रतीक है हमारे स्वराज का, हमारा स्वाभिमान है। आज से हम इसे अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं।
हिंद भी स्वराज वावे ही तो श्रींची इच्छा। जब जब हम शिवपा की जय जयकार सुनते हैं, हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। वर्षों पहले अपनी धरती के लिए हमने जो बलिदान दिए, आज हमारा वो बलिदान रंग लाने लगा है। महाराज साहब, स्वराज्य का सपना हम सबका है। एक रास्ता है, आप बीजापुर चले जाएं। हम पुणे में रहेंगे। लेकिन आप सबको छोड़कर अकेले? हम दोनों को यह बलिदान देना ही होगा, क्योंकि आदिल शाह जैसा क्रूर शासक विश्वास के योग्य नहीं है। आपकी? जी सर। जिस मार्ग पर हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सके, उस मार्ग पर हमारे शिवबा आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बाबा साहेब, अब इन आंखों में आंसू नहीं, बस खुशियां ही खुशियां होंगी। हां शंभू राजे, शोभा ने नाने गांव को बसाकर स्वराज की पहली लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन आगे का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। उन्हें सैन्य बल और शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी, और हमें उन्हें यह सहयोग गुप्त रूप से देना होगा। हम हमारे सारे मराठा सरदारों के साथ इस बारे में मशवरा करेंगे, उनसे ये वचन भी लेंगे कि वो स्वराज की इस लड़ाई में शिवाजी राजे का सहयोग करें, और इस काम के लिए दिवाली का शुभ दिन ही उचित है। अब वो दिन दूर नहीं है जब स्वराज के इस झंडे के नीचे सारा देश इकट्ठा खड़ा दिखाई देगा। आयुष्मान भव, आइए राजे, आपका स्थान ग्रहण कीजिए। परंतु आपके होते हुए हम शिवबा, हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास हैं। अब इस पर आपका अधिकार है, आइए।